साथियों, एक्सेल वीबीए में हम आज शुरू कर रहे हैं एक्सेल वीबीए अरे। ये काफ़ी पावरफुल होता है, ये आपकी कठिन से कठिन टास्क को भी सॉल्व कर देता है। इसमें हम लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, लूप विद लूप, लूप के अंदर लूप लगा के हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम एक्सेल में काम करते हैं तो चाहे हम एक्सेल में फॉर्मूले से काम कर रहे हों या फिर हम वीबीए के ज़रिए काम कर रहे हों, दोनों ही स्थिति में जब हमने किन्हीं दो टेबल्स को कंपेयर कराना है, उनका कंपेरिजन करना है, तो हम उनको अरे करते हैं और अरे के अंदर बहुत सारा डाटा एक साथ स्टोर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम अरे का यूज़ तब करते हैं जब हमने बहुत सारा डाटा एक साथ स्टोर करना हो। देखिए, अरे भी एक प्रकार का वेरिएबल है। एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमको 15-20 वेरिएबल डिफाइन करने हैं तो कैसे करेंगे? तो क्या हम उनको बार बार डीम ए एज लॉन्ग, डीम बी एज लॉन्ग या डी सी एज इंटीजर, इस प्रकार से हम उसको 15-20 बार लिखेंगे और इतना ज़्यादा काम बढ़ जाएगा कि हम लिखते रहेंगे। और ये 15-20 बार अगर हमको मान लीजिए 50 या 100 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर करने हैं फिर क्या करेंगे? तो ये सारा समझेंगे एग्जाम्पल के साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु जी। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैंने सिर्फ 4 वेरिएबल डिफाइन करे है ना। इस तरह से अगर हमने 15-20-30-50 या 100 वेरिएबल डिफाइन करने हैं, चाहे वो आप इंटीजर में करते हैं या फिर स्ट्रिंग में करते हैं, जैसे मर्जी आप करते हैं, तो उसके लिए इतने सारे हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो इतनी मेहनत हम क्यों करें? तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हमारा कोड हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए हम अरे का यूज़ करेंगे। और अरे के लिए हम किस प्रकार टाइप करेंगे, तो मैं सब ये तो सारे हटा देता हूँ, यहाँ से इनको डिलीट करता हूँ और सीधा सीधा हम टाइप कर लेंगे डिम, जो भी हम नाम देना चाहें। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, मान लीजिए ए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आप वेरिएबल का कोई भी नाम डिफाइन कर सकते हैं। हम करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट, कितने वेरिएबल हमको चाहिए, हमको 1, 2, 3, 4, 5 जितने चाहिए हम उतने यहाँ पे डाल देंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एज जो भी हमको लेना है, मैं लॉन्ग ले लेता हूँ, इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा तरीका लिखने का हो सकता है कि हमने अगर 5 ही डिफाइन करने हैं तो हम यहाँ पे करेंगे 0, 2, 4, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 5 हो गए, आप 4 पे मजीद 4 लिखा है तो 0 से तो 5 हो गए ना, 0, 1, 2, 3, 4। तो हमने जितने भी वेरिएबल डिफाइन करने हैं, हमने शो करने हैं, 1000 करने हैं, तो हम सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, 0 to 100 या फिर 1 to 100 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम सीधा यहाँ पे 1 टाइप कर देंगे, 1, और यहाँ पे कर देंगे 100 या 4 या 5 जितने हमने वेरिएबल लेने हैं। वो 0 में और 1 में क्या फ़र्क है, ये भी आप समझ जाएंगे कि अगर हमने 0 लिया तो किस प्रकार से हम आगे कोडिंग करेंगे और 1 लिया तो हम किस प्रकार से कोडिंग करेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा देखते रहिए बस। तो ये तो हमने यहाँ पे इतना डिफाइन कर लिया, अब हमने इनकी वैल्यू देनी है। मान लीजिए हमने क्या लिया यहाँ पे, माई अरे ए लिया हमने, तो हम यहाँ पे ए की। और एक चीज़ बता दूँ कि ये जो 5 वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करे हैं इसने, या 4 करे हैं हमने, तो ये ए बी सी डी इस प्रकार से नहीं काउंट करेगा। ये वेरिएबल लेगा नाम उनके, A1, A2, A3, A4, इस प्रकार से। तो इनकी वैल्यू डालने के लिए हम करेंगे ए, ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, हमने 1, 2, 4 लिया है ना, 1 इक्वल टू जितनी भी वैल्यू हमने डालनी है, हमने मान लीजिए 100 डालनी है। इसी प्रकार हम A1 की वैल्यू डालेंगे, A2 की डालेंगे, A3 की डालेंगे, और फिर से वही बात आ गई, जब हमने वेरिएबल डिफाइन करने हैं तो भी बहुत ज़्यादा काम हो गया था, हमने एक लाइन में उसको कम कर लिया। इसी प्रकार जब हमने इनका डाटा एंटर कराना है तो भी बहुत ज़्यादा हमको टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। तब हम किस प्रकार से डाटा एंटर करेंगे, उसके लिए हम लूप का यूज़ करेंगे। आप फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ कर सकते हैं, डू व्हाइल यूज़ कर सकते हैं, व्हाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे फॉर नेक्स्ट लूप का, ठीक है। तो उसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। इस प्रकार से हम, मैंने 5 मंथ्स लिए हैं यहाँ पे, और इधर हमने लूप चलाना है कि हमने इनको, इस सभी डाटा को स्टोर कराना है। फिर हम किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे, शुरू से हम टाइप करते हैं। मैं करता हूँ यहाँ पे डिम, और इसके लिए मैं इसका नाम दे देता हूँ वेरिएबल का, मंथ, ठीक है।
ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 5 मंथ्स हमने लिए, 5 डाटा को स्टोर करना है, तब हम क्या करें यहाँ पे 0 to 4 करें या 1 to 5 करें, हम 0 to 4 कर लेते हैं एज स्ट्रिंग, क्लियर। अब हमारा फोर लूप चलेगा तो उसके लिए हम टाइप करेंगे डिम ए एज, और फोर के लिए ए इक्वल टू कितनी वैल्यू हमारे पास, हमारे पास हमने यहाँ पे डाल रखा है 0 to 4, तो यहाँ पे हम कर देंगे 0 to 4। और मंथ हमारा है, मंथ वेरिएबल लिया है ना हमने, और मंथ क्या है हमारा ए इक्वल टू, इसको हम किसके बराबर दे दें, ये हमारी रेंज। यहाँ से मैं एक रो और कम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मैं इसको डिलीट करता हूँ, बिल्कुल फर्स्ट रो से ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट रो से ले लिया, तो यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू रेंज, रेंज हमारी कहाँ पे है, रेंज है हमारी कॉलम ए, एंड दूसरी क्या चीज़ है, उसके बाद रो हमने लेनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और वो हमने क्या डिफाइन किया है, वो हमने किया है ए। तो क्या हो गया ये, पहला ए, ए तो हमारा क्या हो गया, पहला कॉलम हो गया, कॉलम के साथ हमने क्या लेना है, दूसरा ए हमारी ये डाटा हो गया जो हमने फोर ए लिया है, तो ये ए जुड़ता चला जाएगा इस कॉलम में, तो यहाँ पे क्या होता चला जाएगा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, राइट, डॉट वैल्यू, क्लियर। नीचे कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्लोज, नेक्स्ट ए। अब क्या ये चलेगा, क्या रन करेगा, एक बार हम इसको चला के देख लेते हैं, और उसके लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे लोकल विंडो, लोकल विंडो पे हम इसको रन करके देखेंगे, तो यहाँ पे लोकल विंडो भी आ गई, तो आप देखते हैं इसको रन करके, मैं यहाँ पे करता हूँ F8 को प्रेस, तो देखिए पहली बार ये एरर आ गई, किस चीज़ की, ये गलती मेरे से हो गई है, इसको ओके करते हैं, ये दिखा रहा है सब और फंक्शनल नॉट डिफाइन, ये फंक्शनल को डिफाइन नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे नेक्स्ट नहीं किया, यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया है, तो इसको करते हैं नेक्स्ट, और स्टॉप करेंगे एक बार हम इसको, और फिर से रन करते हैं F8। अब हमारा फोर नेक्स्ट लूप रन करेगा, यहाँ पे देखो मंथ आ गया, पहला ए दिखा रहा है यहाँ पे मंथ्स का नाम, हम फिर से F8 प्रेस करेंगे, और अब नेक्स्ट पे जाएगा तो फिर से एक एरर आ गई, यहाँ पे एरर दिखा रहा है मेथड रेंज और ऑब्जेक्ट ग्लोबल फेल्ड, इसका मतलब मैं समझाता हूँ, देखिए मेथड रेंज एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने ए लिया है, ए कॉलम और ए रो, ए का मतलब पहला ले रहा है जीरो, हमने 0 to 4 डिफाइन किया था, और यहाँ पे सीट में आके देखेंगे तो जीरो नंबर रो तो है ही नहीं है ना, क्योंकि रो तो हमारी एक नंबर से स्टार्ट है, और जबकि हमने यहाँ पे दिया है 0 to 4, तो यहाँ पे जीरो लेगा, जीरो तो अब कैसे लेगा, इसलिए ये एरर दिखाई थी। तो अब मैं समझाता हूँ 0 और 1 का मतलब, अगर हमने यहाँ पे 0 to 4 लिया है तो हमको यहाँ पे ए रो के बाद इस जगह हमको करना पड़ेगा प्लस 1, यदि हमने 1 से 4 दिखाया तो प्लस 1 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। अब फिर से हम इसको रन करते हैं, हम करते हैं F8, फिर से लूप रन करेगा, हम वापस जाएंगे, फिर आएंगे लूप पे, फिर F8, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अब मंथ वाले को आप यहाँ प्लस के साइन से ओपन करके देख सकते हैं, हमारे पास सारे मंथ्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, सारे शो करेंगे, और इसको हम कंटिन्यू करते हैं, F8 ही करते हैं और एंड कर देंगे, 5 हमारा रन हो गया, 5, ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, क्लियर, 500 मंथ सही दिखा रहा है। अब मान लीजिए हमने 1-2 नाम और बढ़ा दिए, इसको मैं करता हूँ स्टॉप, और यहाँ पे मैं करता हूँ जूम। अब यहाँ पे हम देखते हैं फिर से इसको रन करके F8, और अब इसको यहाँ पे हम देख लेंगे मंथ सारे, तो यहाँ पे दिखाएगा जून तक का, लेकिन उससे पहले मैं एक बार स्टॉप करता हूँ, हमने यहाँ भी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे पास कितने हो गए डाटा के अंदर, 6 हो गए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 0 to 5, ओके, यही करना पड़ेगा ना। अब इसको हम रन करते हैं, फिर से F8 करेंगे, अब देखो मंथ्स के अंदर हम यहाँ पे आते हैं वापस, और F8 करते चले जाएंगे, तो यहाँ पे जनवरी आ गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून के ऊपर एरर आ गई, किस चीज़ की एरर, सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, ये हमारे पास 6 नंबर नहीं मिल रहा, और इस स्थिति में जब हमको डाटा बढ़ाना पड़ जाए तब हम क्या करेंगे, आपको ध्यान होगा जब हम लूप करवा रहे थे आपको,
अगर नहीं देखा है आपने हमारी वो सीरीज़ तो डिस्क्रिप्शन में एक्सेल वीबीए की प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर देखें। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे, फोर को काट देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज। रेंज हमारी ए वाला ही कॉलम है, तब हम यहाँ पे टाइप करेंगे ए, और रो कितनी डाल दें, रो हम मैक्सिमम ले सकते हैं, यहाँ पे 1,000,000 से ज़्यादा रो हैं तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5,000 रो ले लेता हूँ। इस रेंज में 5,000 रो के ऊपर जाए और फिर एंड एक्सेल अप डॉट रो। अब देखिए यहाँ पे रो डाला है हमने, तो अब हम जब हमने जीरो ले रखा तो ये रो कहाँ आ गया, ये अप आके लास्ट फिल सेल के अंदर आ जाएगा। तो उसके लिए हमने करना पड़ेगा यहाँ पे -1। इतना क्लियर? अब इसको हम चला के देखते हैं, करेंगे F8। तो एक बार यहाँ पे देख लें ओपन करके मंथ्स को, तो देखो यहाँ पे लास्ट तक आ जाना चाहिए F8, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, एंड फिर से एरर आ गई, सब्सक्रिप आउट ऑफ रेंज। अभी भी ये आउट ऑफ रेंज आ रहा है, किस लिए जा रहा है? हमारा लूप तो 6 बार रन हो गया, लेकिन जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है यहाँ पे हमने इसको 5 नहीं किया, हम इसको 5 की बजाय अब 6 कर देंगे, क्योंकि आगे हम और डाटा अगर लेना चाहें तो और डाटा ले सकते हैं। अब करेंगे F8। अब देखना यहाँ पे सारे मंथ्स आपको नज़र आएंगे, लास्ट तक 6th भी आ गया ना, F8। देखो अब ये जाएगा जून तक गया, लेकिन आपने क्या नज़र किया, मैं फटाक से एक बार और F8 कर गया, फिर से चलाता हूँ मैं शुरू से। यहाँ पे देखिए अप्रैल तक हमारा आ गया डाटा, नज़र रखिए यहाँ पे लोकल विंडो पे F8 मई का आ गया, जून का आ गया, और जो आगे है वो ब्लैंक है क्योंकि अभी हमारा डाटा वहाँ पे नहीं है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट मंथ, और अब फिर से इसको हम रन करके देखेंगे, मैं फटाफट रन करता हूँ। तो अब नीचे जो हमारा ब्लैंक आना था वो ब्लैंक नहीं आएगा, और लास्ट मंथ भी आ जाएगा, और ये लास्ट 7 तक दिखाएगा क्योंकि हमने 0 to 6 लिया है, तो 7 हमारी रेंज हो गई। तो ये जो हमने अरे बनाया, ये हमने एक स्टैटिक अरे बनाया है, इसको डायनेमिक रूप किस प्रकार देना है ये बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। ये सीरीज़ थोड़ी सी कठिन पड़ेगी, लेकिन आप बने रहिए और थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको सीखने में आसानी रहेगी। आशा है साथियों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, हमें कमेंट्स में बताएं, हमारे वीडियोज़ को हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।